वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज का करेंगे दौरा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 1,000 करोड़ रुपए करेंगे मुंतकिल। इससे तकरीबन 16 लाख ख्वातीन अरकान को मिलेगा फ़ायदा। वज़ीर-ए-आज़म मुख्यमंत्री कन्या सौमंगल योजना की 1 लाख से ज़्यादा मुस्तफिदीन को रकम करेंगे मुंतकिल। पार्लियामेंट में आज हुए कानून साजी के अहम काम। लोकसभा में इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 को मिली मंजूरी। राज्यसभा में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोविड-19 पर बहस का दिया जवाब, कहा हुकूमत ओमिक्रॉन के तय है मोहतात। मुल्क में वैक्सीन का खातिर खा स्टॉक मौजूद। अवामी शिकायत के इजाले और खिदमात की फराहमी में बेहतरी के लिए मुल्कगीर मुहिम, प्रशासन गांव की ओर आज से शुरू। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुड्स एंड गवर्नेंस वीक का किया इफ्तिताह। वेब पोर्टल और ई बुक भी किया लॉन्च। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। मंसूबों से लोग होंगे मुस्तफीद। और एशियन सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 275 रन से दी शिकस्त। जीतने के लिए 468 रन के हदफ का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम, 230 रन पर आउट। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। राज्यसभा में आज मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोरोना पर बहस का जवाब दिया। मरकजी वजीर सेहत ने ऐवान को यकीन दिलाया कि आज मुल्क में ख्वातिर ख्वाह वैक्सीन मौजूद है। वजीर सेहत ने बताया कि भारत ओमिक्रॉन के खतरे के तई होशियार है। ख्याल रहे कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 161 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में फिलहाल हर महीने 15 करोड़ वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। WHO भी उसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं और भारत सरकार की ओर से हम भी उसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। रेगुलर एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठ के दुनिया में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, ये वेरिएंट की क्या इफेक्ट हो रही है, वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। मरकजी वजीर और राज्यसभा में बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक राज्यसभा से मुअत्तल अराकीन के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के लीडरों की मीटिंग बुलाई गई थी ताकि ऐवान में कामकाज खुश उसलूबी से जारी रह सके, लेकिन इस इजलास में किसी भी पार्टी का कोई रुकन नहीं आया। माननीय प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो पांचों पार्टी के मान्य सदस्य सस्पेंड किए गए उन पांचों नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नज़र आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2010 में जब कुछ मेंबराने पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया उसमें बीजेपी का एक भी मेंबर नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त के अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने मुअत्तली को वापस करवाने के लिए 2 बार अफसोस का इजहार किया था। जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया
और कहा कि उस तर्ज पे ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए, तो उसके पूरी जानकारी निकालने पे जाहिर होता है कि उस समय भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे माननीय अरुण जेटली जी, उन्होंने दो बार खेद प्रकट किया, अपोलोजाइज किया पूरे हाउस को। हमारे कोई मेंबर उसमें सस्पेंड नहीं हुए थे बीजेपी के, सस्पेंड हुए थे दूसरी पार्टीज के। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। वजीर कानून किरण रिजिजू ने लोकसभा में अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 में तरमीम के लिए इलेक्शन कानून तरमीमी बिल 2021 पेश किया। इस बिल में आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का इल्तिजाम है। इलेक्शन कानून तरमीमी बिल 2021 वोटर लिस्ट डाटा को आधार से जोड़ने की इजाजत देता है और ये अवामी नुमाइंदगी कानून 1951 में लफ्ज पत्नी को पति पत्नी यानी स्पाउस में तब्दील करने के लिए तजवीज है। इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान को उन अफराद का आधार नंबर हासिल करने की इजाजत देता है जो शनाख्त के मकसद से वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इस बिल में वोटर लिस्ट में एक ही शख्स के नाम के दोहराव और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का इल्तिजाम किया गया है। वहीं इलेक्शन कानून तरमीमी बिल 2021 में यह भी इल्तिजाम है कि अगर किसी शख्स के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने से नहीं रोका जा सकता और न ही पहले से दर्ज उसके नाम को खारिज किया जा सकता है। ऐसे अफराद दूसरे दस्तावेज की मदद से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिल पेश किए जाने के बाद हिजब इख्तलाफ के अराकीन ने इस बिल को पेश करने की मुखालफत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को प्रयागराज का दौरा करेंगे। वजीर आजम ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक एक प्रोग्राम में शरीक होंगे। वजीर आजम 1,000 करोड़ रुपए की रकम सेल्फ हेल्प ग्रुपों के खातों में तकसीम करेंगे जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुपों की तकरीबन 16 लाख ख्वातीन अराकीन को फायदा होगा। प्रोग्राम का इनेकाद वजीर आजम के नज़रिए के मुताबिक ख्वातीन को खासकर ज़मीनी सतह पर उन्हें ज़रूरी हुनर हौसला अफजाई और वसाइल फराहम करवाकर बाख्तियार बनाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वजीर आजम 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले माह का 4,000 रुपये का वजीफा भी मुंतकिल करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सौमंगल योजना के तहत 1 लाख से ज़ायद मुस्तफिदीन को 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल करेंगे। साथ ही वजीर आजम 202 गजाई सप्लीमेंट मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स का संगे बुनियाद भी रखेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप से इस्तिफादा करने वाली ख्वातीन ने डीडी न्यूज़ के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। समूह से जुड़ने के लिए मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। 10 दीदियों मिलकर हमने पैसा निकालने जमा करने के लिए हमने बहुत काम किया है। कंप्यूटर किया है, कंप्यूटर को सेंटर चलाया है, मैंने मेडिकल स्टोर भी खोला है और दीदियों को खेत में काम करने के लिए पैसा निकालने के दिया है सभी दीदियों को। हमने 15,000 रुपये 1,15,000 पाए, इसे हमने भैंस वैंस पाले हैं, इसलिए सरकार से हमको बहुत सुविधा और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आमदनी भी बढ़ा रहे हैं, अपने बेटे बेटों को पढ़ा भी रहे हैं, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरा समूह से शौचालय की काम मिला है, उसको तो 3,000 रुपया स्टार्टिंग आए थे, अभी 3 महीना की बाकी है। उस शौचालय की देखभाल नियमित हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग की बहुत फ़ायदा मिले हैं। जो गरीब महिला लोग एक एक महीना हर शौचालय में काम करते हैं और देखभाल भी करते हैं, इसमें समूह से हम लोग की बहुत फ़ायदा मिले हैं। सर मैं बैंक सखी हूँ और अपने बैंक के माध्यम से हम लोगों को 3,500 रुपये महीने मानदेय मिलता है। सर बैंक सखी का काम है कि हम लोग जो हमारी बहनें थे वो बैंक में जाती थी, उन्हें दिक्कतें होती थी, कोई कार्य नहीं सुनता था उन लोगों का, तो हम लोगों को सरकार ने बैंक सखी के रूप में रख दिया है। जो हमारी बहनें जाती हैं उनका कार्य हम लोग सावधानी पूर्वक कराते हैं, कोई भी उनको कठिनाई नहीं होती पैसा निकालने में, समूह का खाता खुलवाने में या फिर कोई भी कार्य होता था हम ही लोगों के माध्यम से होता है। अवामी शिकायत के इजाले और खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए आज एक मुल्कगीर मुहिम प्रशासन गाँव की ओर शुरू की गई है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक यानी सुशासन सप्ताह का इफ्तिताह किया। जितेंद्र सिंह 2 साल की कामयाबियों पर ई बुक भी लॉन्च कर रहे हैं। वजीर आजम ने सुशासन सप्ताह की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। सुशासन सप्ताह की थीम प्रशासन गांव की ओर है। इस मुहिम में भारत सरकार की सभी वजारतें महकमे सभी रियासती हुकूमतें और अजला हिस्सा लेंगे। 700 से ज़्यादा जिला अफसरान प्रशासन गाँव की ओर में हिस्सा लेंगे और हफ्ते भर चलने वाले इस प्रोग्राम के दौरान
वक्त की पाबंदी से शिकायत का इजाला और खिदमात की तकसीम में इसलाह के लिए तहसील पंचायत कमेटी के दफ्तर का दौरा करेंगे। इसका मकसद मुल्क के सभी अजला और तहसीलों में आइंदा नस्ल की इंतजामी इसलाहात के लिए वज़ीर आज़म के विज़न को अमल में लाना है। सुशासन सप्ताह की पेशरफ्त की निगरानी एक पोर्टल www.pgportal.gov.in/GGW पर की जाएगी। हर एक ज़िला अफसर अपने ज़िले की कामयाब गुड गवर्नेंस और एक अवामी शिकायत का कामयाब तस्वीर पोर्टल पर पेश करेंगे। अच्छी हुक्मरानी के ज़िलावार वीडियो क्लिप भी बनाए जाएंगे। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर मुहिम सुशासन के लिए एक कौमी तहरीक तैयार करेगी और आइंदा नस्लों को मुतासिर करेगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी का काम मुल्क में मसले का हल तलाश करना है। उन्होंने कहा कि कुंभा परवरी और ख़ानदानी सियासत के बजाय अब रियासत में तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे बनाए जाएंगे और इसे रोजगार से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों के रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते। आरएसएस के सरसंघ चालक ने आज मैक्लोडगंज में तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा से मुलाकात की। आरएसएस सरबराह आज दिल्ली लौटने से कबल दलाई लामा की रिहाइश गाह पहुँच कर उनसे मुलाकात की। दोनों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। दलाई लामा कोविड के दौर के बाद पहली बार किसी बैरूनी शख्स से मिले हैं। काबिल जिक्र है कि आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत 16 से 20 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने आज केरला के अलापुपा झा में बीजेपी लीडर रंजीत श्रीनिवास के अहले खाना से मुलाकात की। रंजीत श्रीनिवास को इतवार की सुबह अलापुपा झा में हमलावरों ने एक हलाक कर दिया था। श्रीनिवास पार्टी को ओबीसी मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी थे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राकेश सिन्हा ने आज केरला में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि केरला और मगरबी बंगाल में मुसलसल इस तरह के वाकयात वहाँ के अमनो अमान की सूरत हाल को जाहिर करते हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी इस तरह के वाकयात की सख्त मुखालफत करती है और जब तक मुजरिमों को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाती बीजेपी मुल्कगीर एहतजाज करती रहेगी। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने केरला तशद्दुद पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राकेश सिन्हा से खसूसी बातचीत की। बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा हैं, उनसे हम जानते हैं। राकेश जी, कैसे देखते हैं केरल में लगातार हिंसा की खबरें हो रही हैं और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो मारे जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एसडीपीआई के लोग जिस तरह से संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी और अभी ओबीसी मोर्चा के हमारे एक नेता की जो हत्या कर दी गई है रंजीत की, उसका साफ दिखाता है कि इस्लामिक आतंकवाद को कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन कर रही है, सरकार का संरक्षण है। केरल में हिंसा की राजनीति को बढ़ाकर वहाँ जिस प्रकार की ध्रुवीकरण कराया जा रहा है वो संसदीय जनतंत्र पर बड़ा हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। केरल की सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रही है। क्या लगता है कि बंगाल और केरल जैसे राज्य जो हैं वो लगातार हिंसा के शिकार हो रहे हैं, पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर जो हैं उन पर निशाने साधे जा रहे हैं, लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रसार इन दो राज्यों में हो रहा है उससे आतंकित होकर और जैसे भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार में निरंतर फैलाव हो रहा है उससे आतंकित होकर ये पार्टियाँ हिंसा के द्वारा पार्टी को रोकना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि संसदीय जनतंत्र में या किसी भी जनतंत्र में
यदि हिंसा का सहारा लिया जाता है तो फांसीवाद का आगमन होता है। मुझे लगता है केरल में ऐसी फांसीवादी ताकतें मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी और संघ को रोक रही हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। मुसल्ला सरहदी रस्ते के 58वें यौम तासीस पर नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला निषेध परवानिक भी मौजूद थे। उमर दाखिला के वजीर ममलिकत ने परेड की सलामी ली। प्रोग्राम से खिताब करते हुए निषेद परमानिक ने मुसल्ला सरहदी दस्ते के काम की तारीफ करते हुए कहा कि मुसल्ला सरहदी दस्ते की खिदमत सलामती और भाईचारे के बुनियादी फार्मूले के साथ शानदार तारीख रही है। सन 1963 से यानी भारत चीन युद्ध के पश्चात ये जो एसएसबी है, एसएसबी का स्थापना किया गया है और तब से लेकर अब तक एसएसबी लगातार पूरा निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र के लिए जो सेवा है वो देता जा रहा है। मुसल्ला सरहदी दस्ते के डायरेक्टर जनरल राजेश चंद्रा ने कहा है कि सरहद को सिर्फ एक लाइन के तौर पर नहीं बल्कि उसे एक बेल्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये बात तो सर्वविदित है कि बॉर्डर गार्डिंग सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का काम नहीं है। बॉर्डर को सिर्फ एक लाइन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे एक बेल्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। वहां पर रहने वाली जनता सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और उनका स्टेक्स इस सीमा की सुरक्षा और शांति में सबसे ज्यादा है। अपने सीमा रक्षक बल के नए अवतार में एसएसबी 2001 से सशस्त्र सीमा बल के रूप में जाना जाते हुए भारत नेपाल सीमा को और 2004 से भारत भूटान सीमा को सुरक्षित करने का अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। बिम्स्टेक के ममालिक के रुकने ममालिक के लिए इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से निजात की मशक पैनिक से 21 का आज पुणे में इनेकाद हुआ। ये मशकें 22 दिसंबर तक जारी रहेंगी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। मशक का बुनियादी मकसद कुदरती आफात के जवाब में इलाकाई तआवुन को बढ़ाना है। मशक के दौरान तमाम ममालिक फौजी तआवुन पर बातचीत करेंगे। इस मौके पर फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बिम्स्टेक ममालिक के दरमियान आपसी तालमेल कायम करने की अहमियत पर जोर दिया। जनरल नरवणे ने कहा कि बिम्स्टेक ममालिक ने जुनूब मशरकी एशिया के लोगों के दरमियान आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। BIMSTEC constitutes a contiguous regional entity. It establishes and reinforces the unique bridge between South and Southeast Asia. We have common challenges and shared destinies. Our cultural and economic affinity and people-to-people relations make us ideal partners in times of crisis. UNICEF ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति की वजारत की कोशिशों को जानने और समझने के लिए नई दिल्ली में मीडिया के साथ एक सिंपोजियम का अहतमाम किया। इस मौके पर मिशन डायरेक्टर भरत लाल ने कहा है कि हमें कुदरती बारिश और बर्फबारी से हासिल होने वाले पानी को संभाल कर रखना होगा। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, अटल भूजल योजना जैसे प्रोग्राम पानी के तहफ्फुज के लिए चलाए गए हैं। कोशिशें भी की जा रही हैं कि लोग खुद अपने घरों में आने वाले पानी को चेक कर सकें। भरत लाल ने कहा कि ग्राम पंचायतों को 5 साल के लिए वाफी रकम दी जाएगी, लेकिन हमें रुपए में रवैये में भी उनके तब्दीली की जरूरत है। एवरी पर्सन इफ यू हैव 1, 2, 3, 5 बाथरूम्स, किचन एंड सर्टेन डिलीवरी पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पर्सन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली, डजंट वेस्ट वाटर, एंड दैट्स हाउ वी गेट 24/7 सप्लाई इन आवर होम्स। That whatever water we store at the top, it is used judiciously. So taking this forward in rural India, in villages, it is next to impossible that every household will have its own overhead tank. So it means that culture has to come, that the whole village, basically the constitutional principle, that concept of fraternity, brotherhood, it means whole village becomes a kind of family where people are not wasting water, they are educated, they are made to aware so that they can get 24/7 supply. Delhi mein corona ke mamlon mein musalsal izafa ho raha hai. Qaumi khitta rajdhani Delhi mein itwar ko corona ke 107 naye mamle
दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से मुतासर एक मरीज की मौत हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में दिल्ली में 50 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। दिल्ली में इस वक्त इन्फेक्शन की शरह 0.17% पर बरकरार है। वहीं बढ़ते मामलों के साथ कंटेनमेंट जोन की तादाद भी बढ़कर 157 हो गई है। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,077 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 0.3% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद 82,267 हो गई है, जो कि 572 दिनों में सबसे कम है, जबकि हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह फिलहाल 0.6% रिकॉर्ड की गई है। केरला में आज 4 नए ओमिक्रॉन मामलों की तस्दीक हुई है, जिससे केरला में मुसद्दका ओमिक्रॉन मामलों की तादाद 15 हो गई है। इन 4 ओमिक्रॉन मरीजों में से 2 बरतानिया और 1 नाइजीरिया से लौटे हैं और चौथा शख्स वो है जो इनके बराह रास्त राबते में आया है। अहम बात यह है कि सभी नए मामले तिरुवनंतपुरम ज़िले से सामने आए हैं। कोविड-19 के खिलाफ मुल्की टीकाकारी मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। मुल्क में अब तक 137,67,00,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल वैक्सीन की 15,82,000 से ज़्यादा खुराकें दी गईं। जर्मनी ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए बरतानिया से मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर रोक लगा दी है। बरतानिया गए जर्मनी के शहरी वापस मुल्क लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें मनफी जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा उन्हें टीका लगा होने के बावजूद हफ्ते तक क्वारंटीना में रहना होगा। और बर्तानिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगाने के लिए लंदन के वेम्बले स्टेडियम में लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। नेशनल हेल्थ सर्विस की टीम और रजाकार स्टेडियम के अंदर टीके लगाने का काम कर रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अमरीका में मामलों में इजाफा होता जा रहा है। अब तक 50 रियासतों में से 49 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पाए गए। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा है कि शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते मामलों में काफ़ी इजाफा देखा गया। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता हफ्ते 5,731 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने लोगों से अवामी मकामात में मास्क लगाने को कहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इसराइल में कोरोना की 5वीं लहर जारी है। दरियासना वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने शहरियों से कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जैसे कि वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है और घर से काम करना। वज़ीर आज़म बेनेट ने भी चंद हफ्तों से में कोरोना इन्फेक्शन में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। इससे कबल एतवार को वजारत सेहत की एक मशावरती कमेटी ने सिफारिश की थी कि इसराइल अमरीका को कोरिडोर को रेड लिस्ट में शामिल करे, जहां उसके शहरी बगैर खसूसी इजाज़त परवाज नहीं कर सकते। इसराइली वजारत सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन के अब तक 134 मामले और 307 मुशतबा मामले दर्ज किए गए हैं। और खेल की खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कदम्बी श्रीकांत ने आर्मी बैडमिंटन चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम कर दी है। वो इस मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने वाले भारत के पहले मर्द खिलाड़ी बन गए हैं। टाइटल मैच में उनका सामना सिंगापुर के लोह किन यू से हुआ, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोह ने यह मैच 21-15, 22-20 से अपने नाम किया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मर्दों के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह को यकीनी करने के बाद सबका चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट के अपने आखिरी लीग मैच में जापान को 6-0 से ज़बरदस्त शिकस्त दी है। भारत के गोलकीपर सोज करकेरा को उनके शानदार मुजाहरे के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारतीय टीम ने मैच को आगाज़ से ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 6 गोल दागे। भारत की तरफ से हरमनप्रीत ने 2, जबकि शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह और सुमित ने 1-1 गोल दागे। वहीं जापान की टीम आखिरी वक्त तक गोल की तलाश में कोशा नजर आई। एशिया सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 275 रन से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 468 रन दरकार थे, लेकिन उसके बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई हमले के सामने टिक ना सके। इंग्लैंड ने कल के स्कोर 82 रन पर 4 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। ओली पॉप 4 तो बेन स्ट्रोक 12 रन बनाकर आउट हो गए।
क्रिस वोक्स 44 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। जॉस बटलर ने शिकस्त से बचने के लिए 200 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाए। आखिरकार वो भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। नाज़रीन, डीडी उर्दू।